श्री महामत कहे मोमिनो हके महर करी तुम पर भुलाए तुम्हें हाँसी को वास्ते इश्क़ खातिर वास्ते इश्क़ खातिर मोमिन आए अरस अजीम से श्री प्राणनाथ प्यारे कीज आप हक श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस प्रसंग से मात हेलो हो गया मोमिन आए अर्स अजीम से खुलासा ग्रंथ का भीष्ट का प्रकरण है इस दुनिया के अंदर आने के बाद इस क्रबत और इस क्रबत के बाद हम सुंदर साथ इस नासवान जगत में पधारे और नासवान जगत में आने के बाद कोई स्त्री में कोई पुरुष में और अनेक प्रकार के विभाजनों में हम बट गए जिस वजह से एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा को ना जानने की वजह से और ना उसके ज्ञान को सुनने की वजह से हम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को भूल गए इसीलिए ये वाणी अवतरित हुई और ये वाणी हमारी अंदर विराजमान जो आत्म है और उसके साथ जो जीव है इस दुनिया के अंदर का जो आदि नारायण का अंश माना जाता है इस जीव के अनेक युगों में भटकने की वजह से यह जीव, जीव जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है इस जीव को इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छुटकारा मिल सकता है और कैसे यह जीव इस जन्म मरण के चक्कर से छूट करके अपने अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है तो ये संगति एक आत्म की मिलेगी जिस दिन उसको उस दिन आत्मा की संगति की वजह से यह जीव उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को जानेगा और परमात्मा को जिस दिन इसने जान लिया उस दिन अंदर बैठा यह जीव कई युगों से कई तनों को धारण करता आ रहा है ये अंतिम अवसर है कि इस युग के बाद या इस जन्म के बाद इसको दूसरा तन धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भले शास्त्र के अंदर पुनर्जन्म का विधान है पर पुनर्जन्म के विधान को यह ब्रह्मवाणी तोड़ देती है और ब्रह्म ज्ञान और अक्षरातीत का ज्ञान इस सिद्धांत को काट देता है क्यों क्योंकि वाणी और उपनिषद के अंदर इसका वर्णन लिखा है वाणी में लिखा है आए काटे दुनी के कर्म जाल कि वो सच्चिदानंद जो कई जन्मों के पूरा सच्चिदान उस जाल को काटने वाला है और उसी बात को उपनिषद भी इस बात को दर्शाता है कि भिध्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संसया छीयंत चास्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावर कि हे मानव जिस दिन तुम्हारे हृदय स्थल के अंदर परमात्मा का वास होगा और वास होने के बाद उस परमात्मा के बैठने के बाद तुम्हारे अंदर के संशय संशय यानी अनेक प्रकार की संप्रदाय और अनेक प्रकार की जो विचारधारा चलती उस विचारधारा में जो मानव चिंतन करता रहता है ये सही है वो सही है कौन सी संप्रदाय सही है कौन सा भगवान सही है कौन सा देव सही है कौन सा धर्म सही है ये सारे जो कंफ्यूजन और ये समस्याएं जो होती है आध्यात्मिक जीवन में इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन केवल उस परमात्मा के ध्यान करने के बाद उसके अंतर आत्मा में विराजमान होने के बाद इन सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा पर एक बार मानव परमात्मा को जाने पहचाने और जानने के बाद उसका चिंतन मनन और ध्यान साधना में डूबे तभी ये संभव है कई बार व्यक्ति संप्रदाय के अंदर आता है ना जानता है ना साधना की है केवल तर्क के आधार पर जीवन जीता रहता है ये सही है वो सही है जबकि आध्यात्मिक मार्ग से कोसों दूर होता है और आध्यात्मिक मार्ग से कोसों दूर होने के कारण से आध्यात्मिकता उसको प्राप्त नहीं होती है पर तर्क जरूर प्राप्त हो जाती है और इस तर्क की वजह से व्यक्ति जान ही नहीं पाता है कि मैं आखिर कर रहा हूं ये सही है या गलत है तो उन सभी चीजों को समझाने के लिए ये ब्रह्मवाणी आई है और इसीलिए उसी के अनुसार जो उपनिषद और ब्रह्मवाणी का सिद्धांत और कथन है कि दुनिया के कर्म जाल को काटना यानी जिस दिन परमात्मा मानव हृदय में वास करने लग जाएगा उस दिन हमारे जो कुकर्म है या हमारे जो किए कर्म है एक कर्म का जो एक तार बंधा हुआ है ये कर्म रूपी तार को काट देगा और इस वजह से ये ज्ञान हमारे इन कर्मों को काट करके आध्यात्मिक और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ये ज्ञान है और उसी बात को उपनिषद दर्शा रहे कि विद्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशया कि उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं जो धर्म में और आध्यात्मिक में डूबने के बाद परमात्मा को जान जाता है और अपने हृदय में वास करवा लेता है और ऐसे व्यक्ति के कर्म नाश हो जाते हैं जो व्यक्ति साधना के बल से परमात्मा को अपने हृदय में बिठा लेता है और जो अपने हृदय में बिठा लेता है ऐसे व्यक्ति के जिनके कर्म नाश हुए छियंत चाष्य कर्माणी तस्वीन दृष्टि परावर है कि ऐसे व्यक्ति की ही दृष्टि इस संसार से परे इस मोहात्मक जगत से परे इस तमस रूपी अंधकार और अज्ञान रूपी संसार से परे उस परब्रह्म तक उसकी दृष्टि पहुंच सकती यानी उसकी दिव्य दृष्टि यानी आत्मिक चक्षु उसके ही खुल पाते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग की गहराइयों में डूबता है ना कि तरक्की तर्क के आधार पर जीने वाला ना केवल ज्ञान के आधार पर जीने वाला ना केवल तिलक और चंदन लगाने से आध्यात्मिक जीवन यदि प्राप्त होता है तो ध्यान साधना के माध्यम से प्राप्त होता है और इसी बात को ये वाणी दर्शा रही है कि इस दुनिया के अंदर आया ये जीव कैसे मोमिनों की संगति कर सकता है और कैसे इनकी संगति करने के बाद उसका फल क्या मिलेगा मैंने अगली चर्चा में भी बोला था कि एक संगत ही ऐसी चीज है जो किसी को बदल सकती है जैसे आम तौर की भाषा में बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत कि जैसी संगति हो, होगी वैसी रंगत यानी उस, वैसे उसकी आदत पड़ेगी और उसी को पुराणों के अंदर एक सूत्र में कहा है कि यस्य पूजा प्रभावे न जीव सृष्टि अपनी समुद्र की एक परमात्मा और एक आत्माओं की पूजा करने से परमात्मा और आत्माओं की पूजा करने से इस दुनिया के जीवों का उद्धार हो जाएगा जो अनेक युगों से भटक रहे हैं इन जीवों के उद्धार के लिए अंतिम अवसर यह है और इस अवसर को यदि व्यक्ति गमा देता है इस अवसर को यदि व्यक्ति खो देता है तो शायद ये जो अवसर मिला है ये बारंबार नहीं मिलेगा इसलिए ये परब्रह्म का ज्ञान आया और इस ज्ञान के माध्यम से जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की आत्माएं इस सृष्टि के अंदर कभी नहीं आई थी इसलिए इस वाणी के अंदर कहा है मोमिन आए अरस अजीम से कि जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की ब्रह्म है, इस के अंदर नहीं आई थी इन दुनिया के अंदर रहने वाले उन जीवों ने उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के लिए कठोर साधना और कठोर तप किए थे जिसके कारण से वाणी के अंदर लिखा है कि वो जीव और वो महान तपस्वी ऋषि मुनि राह देख रहे थे कि वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कब आएंगे और उनका ध्यान साधना में इतने लगे रहे जिसके कारण से निरंतर पुकार करने की वजह से परमात्मा को एक बहाना चाहिए था जिस बहाने की वजह से पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ने अपनी अंगनाओं को इस संसार के अंदर पहले भेजा जिसके कारण से उनको लेने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर वो पधारे और आकर के केवल ब्रह्म अंगनाओं को लेने नहीं आए इन दुनिया के अंदर के उन जीवों को भी अखंड मुक्ति देकर के उनको भी योग माया के ब्रह्मांड में ले जाने के लिए आए इसलिए आध्यात्मिक जीवन केवल मंदिर तक जाने के लिए नहीं आध्यात्मिक जीवन केवल जुड़ जाने से नहीं आध्यात्मिक जीवन आत्मा का मार्ग है और आत्मा के मार्ग के लिए व्यक्ति को उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सतत ध्यान ज्ञान और साधना इन तीनों चरणों पर चलना होगा और तीनों चरणों पर जब व्यक्ति निरंतर चलता रहेगा तभी उसको आध्यात्मिक उपलब्धि होगी और उस उपलब्धि के लिए इनको सही ज्ञान की जरूरत है और ये मार्गदर्शन बताती है कि जो अरस अजिम से जो ब्रह्मनाएं यानी परमात्मा की जो आत्मा इस दुनिया में आई इन आत्माओं के माध्यम से इस दुनिया में ये ज्ञान भी साथ में आया जिनको महेश्वर तंत्र के अंदर पहले से कहा था कि इस दुनिया के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जब आएंगे तो केवल वो अकेले नहीं आएंगे साथ में अपनी ब्रह्म विद्या को भी लेकर के आएंगे अपने ब्रह्म ज्ञान को भी लेकर के आएंगे और यही ज्ञान होगा जो सारी सृष्टि को कल्याण की ओर ले जाएगा यही ज्ञान होगा जो व्यक्ति को परम धाम की ओर ले जाएगा यही ज्ञान मानव के उत्थान के लिए आएगा और वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आएंगे तो क्या करेंगे इस दुनिया को क्या फल मिलेगा तो उस फल के लिए उन्होंने कहा मुक्तिदा सर्वलोकान भविता भरता जिरे कि वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आएंगे तो इस दुनिया के अंदर जो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं मुक्तिदा मुक्तिदा यानी मुक्ति को देने वाले होंगे और सारी सृष्टि का कल्याण करने वाले होंगे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद होंगे दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए हो सकता कोई देव और भगवान आ जाते हैं या देवियां आती है कोई महापुरुष आता है कोई ऋषि आता है कोई देव आता है पर परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए नहीं जीवों के कल्याण के लिए जो जन्म मरण के अंदर पड़े हैं इनके कष्टों को निवारण करके उनको अखंड मोक्ष को देने के लिए आएंगे यदि धर्म का उत्थान ही करना था तो सत्युग के अंदर से लेकर के सत्युग त्रेता और द्वापर युग में होता ही रहा है इसलिए तीनों युगों के अंदर धर्म की जब जब हानि हुई तो भगवान या देव का प्रकटन हुआ पर एक के अंदर जीव का कल्याण होगा धर्म की स्थापना के साथ साथ जो जीव कई युगों से भटक रहे उन जीवों का इस वाणी के माध्यम से इन ज्ञान के माध्यम से उनको अवसर प्राप्त हुआ है कि इस भव सागर से पार होकर के इस संसार को छोड़ करके वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर सके और योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो भिष्तों का वर्णन लिखा है भीष्त क्या चीज होती है भीष्त होती है अखंड सुखमय लोग जैसे स्वर्ग है पर स्वर्ग और बैकुंड है स्वर्ग और बाइकुंड जैसे सुखमय ही, ही लोग हैं पर कहां पर है मोह सागर के अंदर माने जाते हैं दोनों सुखमई लोग होने के बाद भी मोह सागर में माने जाते हैं पर यह भीष्ट जो हुए वो मोह सागर से परे वो परमात्मा का एरिया शुरू हो जाता है परमात्मा का धाम जहां शुरू हो जाता है और उनके सत्ता स्वरूप अक्षर ब्रह्म का जहां पर वास होता है जहां पर अक्षर ब्रह्म की लीला होती है ये है भीष्त का एरिया इसलिए अखंड ब्रह्मांड जिसको माना जाता है वो योग -माया का ब्रह्मांड है जिसको दुनिया में बेहद ब्रह्मांड बोला है किसी ने बोला अलख का ब्रह्मांड है जिसके बारे में कोई लिख नहीं सकता कोई उसको अगम ब्रह्मांड करके वर्णन किया कोई बेहद ही ब्रह्मांड वर्णन किया जो हद में नहीं आता इसको बेहद ही बोलते जो गम यानी अपने चिंतन मनन में नहीं आता अगम है जो और जो शब्दों के माध्यम से लिखा नहीं जाता वो अगम है इसीलिए शास्त्र में और पुराण संगीता के अंदर लिखा अमात्रम शब्द रहितम कलादितम कि परमात्मा और उसके धाम के बारे में दुनिया में कोई शब्दों के माध्यम से या फिर कोई मात्राओं के माध्यम से उसको वर्णित नहीं कर सकता क्योंकि ये इनसे परे है इसलिए उस परब्रह्म और उस सत्ता स्वरूप अक्सर ब्रह्म के धाम को इस दुनिया के अंदर लिखना और बताना शास्त्र में केवल संकेत स्वरूप में बताया है संकेत जैसे किसी ने कह दिया कि परमात्मा एक है तो संकेत दे दिया कि एक है पर उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया कि जैसे उसकी लीला धाम स्वरूप इन सभी चीजों का वर्णन नहीं हुआ वो केवल ब्रह्म ज्ञान के अंदर हुआ तो ये ब्रह्म ज्ञान ही उन सारी चीजों का खुलासा कर देता है तो वो ब्रह्म मुनि जो अर्श अजेम यानी जो परम धाम से इस दुनिया के अंदर आए हैं इन, है, इन ब्रह्म मुनियों के माध्यम से इस दुनिया को क्या फायदा होने वाला है हमारी अब वर्णन करें कि दुनिया में अनेक परंपराएं और अनेक संप्रदाय होंगे अनेक संप्रदाय में अनेक मत को मानने वाले लोग होंगे पर जो ब्रह्म के मानने वाले होंगे जो परमात्मा के मानने वाले होंगे वो विरले होंगे और वीरले इसीलिए होंगे क्योंकि वो केवल ना केवल ब्रह्म से निस्पत वो केवल हक से निस्पत रखेंगे यानी परब्रह्म परमात्मा के अलावा हर हर किसी किसी को को सम्मान देंगे आदर देंगे पर आत्मा का मालिक केवल परमात्मा को माने ऐसे व्यक्तियों को समझ लेना कि वो परब्रह्म की अंगनाएं परब्रह्म की आत्माएं वह के अंग स्वरूप माने जाएंगे और उनके अलावा बाकी लोग उस परब्रह्म को जो नहीं मानेंगे तो समझ लेना कि वो परब्रह्म की आत्माएं नहीं इसलिए उस परब्रह्म की आत्माओं की पहचान ये वाणी बता रही है कि जो परब्रम की आत्माएं होंगी जो परमात्मा का अंग होगा वो एक पर आस्था रखेंगे और एक पर आस्था रख करके एक की भक्ति करेंगे और वो एक की भक्ति करके इस दुनिया के अंदर सिद्ध कर देंगे कि इस दुनिया के अंदर ब्रह्म परमात्मा और आत्मा इन दोनों का संबंध इस युग से नहीं अनंत काल से यानी अनादि काल से है था और रहेगा तो ये अनादि काल का जो संबंध है आत्मा और परमात्मा का आत्मा सो परमात्मा का जो संबंध है ये इस वाणी के माध्यम से बताना चाहते हैं हक्सो निसबत का तात्पर्य होता है कि परमात्मा से जिसका संबंध है अब दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि अनेक संप्रदाय के अंदर अनेक विचारधारा हैं और अनेक विचारधारा को मानने वाले अनुयायी अनेक तरफ चलते हैं और अनेक तरफ चलने की वजह से कौन सा आत्मा का मालिक है और कौन सा आत्मा का मालिक नहीं है इसको जाने बिना व्यक्ति सदा निरंतर चलता रहता आगे पर जिस दिन व्यक्ति आत्मा के मालिक को जानेगा उस दिन इस भाव सागर से वो पार हो पाएगा जब तक आत्मा के मालिक को नहीं जान पाया तब तक वो भाव सागर के अंदर रहेगा क्यों भाव सागर के अंदर रहेगा क्योंकि इस भाव सागर के अंदर देवत्व लोक भी भाव सागर में ही माने जाते हैं चौदह लोग जिसको वर्णन किया गया है ये चौदह लोग इस भाव सागर के अंदर ही पाए जाते हैं भाव सागर से परे तो वो ओम स्वरूप अक्षर ब्रह्म है इस अक्षर ब्रह्म से वो परे वो सच्चिदानंद स्वरूप है इन दो पुरुषों को जब तक हम नहीं जानेंगे और केवल आदि नारायण और आदि नारायण के साथ यानी आदि नारायण के ब्रह्मांड के अंदर लीला करने वाले उन देवत्व शक्ति को हम जानेंगे तो देवत्व शक्ति और आदि को जानने का तात्पर्य यही हुआ कि आपने भाव सागर को जाना है पर भाव सागर के परे के एरिए को नहीं जाना जब तक हम भाव सागर के एरिए से परे के एरिए को नहीं जानेंगे तब तक ये आत्मा अंदर विराजमान जो है इस आत्मा को कभी भी परमात्मा का घर कभी भी अक्सर ब्रह्म का घर और कभी भी ये बेहद मंडल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे इसलिए आखिरी समय आया है और आखिरी समय में जो व्यक्ति ज्ञान को आत्मसात करेगा इसी व्यक्ति को आत्मसात करने के कारण से फल स्वरूप से ओ अक्षर ब्रह्म का एरिया यानी अक्षर ब्रह्म का बेहद मंडल जहां पर आठ सुखमय लोक है आठ सुखमय लोकों को वाणी के अंदर भीष्ट का दर्जा दिया है यानी भीष्ट के नाम से वर्णन किया यानी वो सुखमयी लोक है स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति लौट आता है वैकुंड में जाने के बाद व्यक्ति लौट आता है पर ये सुखमय लोग ऐसे हैं कि इस सुखमय लोक में जाने के बाद कभी व्यक्ति को लौटने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसा ये अखंड सुखमय लोक है और उस अखंड सुखमय लोक का यहां पर वर्णन करें कि ये अखंड सुखमय लोक को कैसे जाना जाएगा और किसकी संगति से ये मिलेंगे तो ब्रह्म की संगति हो और वो ब्रह्म मुनि जो परमात्मा के साथ जुड़े ऐसा नहीं कि नाम के केवल ब्रह्म मुनि है दुनिया के अंदर अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म मुनि कहलाने के अनेक लोग कहला देते हैं लेकिन केवल कहलाने से और कहने से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता है जब तक ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन ना कर दे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन ना कर दे तब तक वो ब्रह्म ज्ञान नहीं और जब तक हद से परे अक्षर ब्रह्म और उस अक्षरातीत को बता ना दे तब तक उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है ऐसा समझ सकते हो आप इसलिए उस पर ब्रह्म परमात्मा के घर तक ले जाने के लिए वाणी और उस आठ सुखमय लोकों का यहां पर वर्णन किया गया है मैंने पहले कहा था केवल ब्रह्म सृष्टि नहीं ब्रह्म अंगना इस दुनिया में नहीं आएंगे क्या आएंगे उनके साथ ब्रह्मुनि और ब्रह्म मुनि के साथ वो इलम लदुनी इलम लदुनी का तात्पर्य ब्रह्म का ज्ञान इलम का तात्पर्य ही होता है ज्ञान और वो ज्ञान इस दुनिया के अंदर हम सभी को उस भव सागर से पार ले जाएगा ब्रह्म ज्ञान क्यों जरूरी है तो मैंने आपसे पहले कहा था कि ब्रह्म ज्ञान इसलिए जरूरी है इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आपको दो लोगों का ज्ञान होगा योग माया का यानी इस हद से परे अक्सर ब्रह्मांड का और अक्सर ब्रह्मांड से परे उस परमधाम का ये इलम लदुनी दोनों सुखमयी लोकों का वर्णन करता है और दोनों सुखमयी लोकों का जब तक व्यक्ति जानेगा नहीं तब तक वहां तक पहुंचेगा कैसे इसलिए ये इलम लदुनी परब्रह्म ने दिया है हक बक्का नियामत और उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान के अंदर क्या होगा तो बोले हक की नियामत हक की नियामत का तात्पर्य कि उसके का जो वो ज्ञान वो प्रेम वो आनंद वो शांति वो सारी चीज आपको प्राप्त होगी वो सौंदर्य सब कुछ आपको वो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होगा जब तक व्यक्ति परब्रह्म के आनंद को प्राप्त नहीं हो जाता भक्ति का तात्पर्य क्या होता है आनंद को प्राप्त होना कैसे आनंद को प्राप्त होना है अब दुनिया की किसी भी संप्रदाय में चले जाइए सभी संप्रदाय का एक कॉमन सिद्धांत रहता है सामान्य सिद्धांत है कि अब कहीं भी जाओ चाहे दुनिया के हजार संप्रदाय हजार में से एक को किसी को भी जान लो उन सभी में आपको एक चीज मिलेगी किस लिए भक्ति करते हो केवल सुख शांति और आनंद के लिए आप निकाल दीजिए सुख शांति और आनंद शब्द को कोई किसी देवी के मंदिर पर नहीं जाएगा कोई भगवान के मंदिर पर नहीं जाएगा कोई किसी संप्रदाय में नहीं जाएगा कहने लग जाओ कि जिस भी संप्रदाय में जाओ उस संप्रदाय में दुख ही दुख मिलेगा तो धर्म के नाम से और मंदिरों के नाम से भगवान के नाम से लोग को दूर खड़े हो जाएंगे दुनिया की तमाम संप्रदाय केवल एक सिद्धांत पर अटकी हुई है सुख शांति और आनंद ये तीन शब्द और ये तीन चीज आप निकाल दीजिए इन तीनों के निकालने की वजह से संप्रदाय नाम और धर्म नाम की वस्तु में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और ये तीनों चीज कहीं से प्राप्त होती वो परमात्मा है इसीलिए परमात्मा को कहा जाता है सत्य चित और आनंद स्वरूप किसी देव के साथ आनंद शब्द नहीं जोड़ा पर परमात्मा के साथ क्या जोड़ा सत्यचित्त और आनंद स्वरूप क्यों क्योंकि वो आनंद का सागर है और वो आनंद का सागर आपको आनंद दे सकता है अब हम जहां खोज रहे कोई व्यक्ति पैसों में खोजता है कोई मंदिरों में खोजता है कोई गुटका मसाला पान बिड़ी सिगरेट में खोजता है कोई किसी और में खोजता है पर वहां जब है ही नहीं तो मिलेगा कहां से यदि सूर्य का प्रकाश चाहिए तो सूर्य से ही प्राप्त होगा हम चंद्रमा से अपेक्षा करते रहे कि वहां से प्राप्त हो जाए तो असंभव चीज है ठीक है हाइलोजन से प्रकाश मिलता है पर वो प्रकाश नहीं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो आनंद का स्वरूप और सौंदर्य का स्वरूप वो परब्रह्म परमात्मा है वो परब्रम परमात्मा ही इस दुनिया से परे सुखमय लोगों को प्राप्त करवा सकता है और उसी परब्रम परमात्मा के बारे में जो वर्णन किया है भिस्तों का वर्णन वैसे तो लंबा है लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा बता देता हूं कि आखिर वो है कैसे तो जो पहली भिस्त का वर्णन है कि जो व्यक्ति परब्रह्म को अपने आत्मा के भावों से भजेंगे उसको अपना आत्मा का मालिक मान करके भजेगा ये पहले सुखमय लोक को प्राप्त होंगे यानी पहली भिस्त का अधिकारी होगा जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्म यानी ओम को भजने वाला है या फिर ऐसे कहो कि जिनको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं ये दूसरी भिस्त को प्राप्त होंगे तीसरी भिस्त यानी तीसरी भिस्त मोहम्मद साहब को मानने वाले जिन्होंने इस दुनिया के अंदर एक परमात्मा का पैगाम दिया कुरान के अंदर खुदा का तात्पर्य होता है परमात्मा पर भाषा अलग होने की वजह से खुदा यानी कोई नया भगवान बन जाता लोगों के लिए पर खुदा नया भगवान नहीं उसी परमात्मा को उस शब्द में कहा गया जैसे शंकर भगवान को अपनी भाषा में हम शंकर भगवान कहेंगे लेकिन जब कुरान की भाषा में जानेंगे तो क्या कहेंगे उसको मैकाइल मैकाइल के नाम से जाना जाएगा तो जो शब्द इधर का है जो उनका शब्द है भाषा अलग है अब कोई गोरे होते कोई काले होते इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंसान नहीं होते नाम अलग है ऐसा नहीं है नाम भाषा अलग है पर नाम दोनों के एक ही एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया गया है तो वो पैगाम लेकर के आए मोहम्मद साहब यानी कि जो तीसरी भिस्त के अंदर जो व्यक्ति आस्था रखेगा वो किसको मान करके चलेगा तो वो अवश्य खुदा को मानेगा पर मानेगा किसकी मोहम्मद पैगंबर की राह पर चल करके उस पर ब्रह्म को जानेगा वो तीसरी भिस्त को प्राप्त होगा और चौथी और पांचवी भिस्त यानी कि रास और ब्रज और छठे नंबर की और सातवें नंबर की और आठवें नंबर की एक देवी देवता की है और एक पैगंबरी और एक जनरली है जनरली का तात्पर्य है कि जो कुछ नहीं करेगा पर एंड में जब सृष्टि नहीं रहेगा तब एंड में सृष्टि ना रहने की वजह से इनको अंतिम समय में सुखमय लोक मिलेगा अवश्य पर कहा जाता है कि ताप की अग्नि में जब व्यक्ति जलेगा जैसे दूसरी भाषा से मैं समझाता हूं गरुड़ पुराण के अंदर चौरासी कुंड वर्णन किया है नरकीय कुंड का तात्पर्य क्या होता है कि, कि किसी भी तरह किसी भी तरह से व्यक्ति की व्यक्ति को पवित्र करने का तरीका चाहे वो मानसिक रूप से पवित्र किया जाता हो या फिर वहाँ अनेक प्रकार के उदाहरण दिए हैं कि किसी का जैसे किसी ने मुर्गा काटा है तो उसको काटा हुआ वर्णन किया है किसी को फाड़ करके वर्णन किया है जैसे किसी ने अग्नि का वर्णन किया कि जैसे व्यक्ति जल रहा है पर हकीकतों जलेगा पर मरेगा नहीं तो ये नरकीय वर्णन किया है गरुड़ पुराण के अंदर चौरासी कुंडों का कि ये नरक की एरिया है चौरासी इसी तरह पश्चाताप की अग्नि में जलने का तात्पर्य कि जितने हमने पाप किए हैं और हम जिस कारण से परमात्मा को नहीं जान पाए या नहीं मान पाए तो एंड समय में जब वक्त होता है जैसे व्यक्ति भक्ति नहीं करता पर एंड समय में कोई व्यक्ति नरक तो नहीं जाना चाहता फिलहाल शराब पीने वाला मांस खाने वाला आखिर कसाई भी ये कहता है कि, कि किसी भी तरह मुझे स्वर्ग तो भिजवा ही दो खुद नहीं करता पंडित से सिफारिश करके करवा देता पर करवाता तो अवश्य नरक कोई जाना चाहता नहीं है तो पश्चाताप की अग्नि में जलने का तात्पर्य है कि अपने जीव के अंदर जो अंतस्करण है उसकी पवित्रता हो जाए जीव पवित्र हो उन अंतस्करण के कारण से और ये जीव पवित्र हो करके आठवीं भिस्त का अधिकारी बने तो इसीलिए ये आठवीं भिस्त का जिक्र है तो हमारा जो दरजा है हम कैसे उस दरजे को समझे ऐसा समझ लीजिए कि एक ट्रेन है जो ट्रेन के अंदर तीन प्रकार की क्वालिटी है वैसे चार प्रकार की आती पर एक चौथे नंबर की अब निकाल दी है तो चौथे नंबर की तो भी हम समझने की कोशिश करेंगे एसी स्लीपर कोस और एक जनरल अब एसी में भी तीन विभाजन अलग अलग होते हैं पर हम केवल इतना ही समझ ले कि एसी स्लीपर और જનરલ એ જો ટ્રેન કા તીન વિભાગો જો નહીં સમજતા એકદમ નીચે વાલી સમજાતા હું જયારે આપણે ટ્રેનમાં ટ્રેન ને તો ત્રણ વિભાજન મળતું હોય એકમાં ફૂલ ભીડ હોય થોડાક ડિબ્બા એવા હોય જેમાં કમ ભીડ હોય અને થોડાક ડબ્બા એવા પણ હોય જેમાં બિલકુલ કાંચ ફીટોમ ફિટ હોય જેમાં દેખવું પણ મુશ્કેલ હોય એટલે એવા ડબ્બા એસી ના और जिसमें कम भीड़ दिख रहे तो समझ लेना जिसमें व्यक्ति अपने आप सो सकता है दूसरे को बैठने कम देता है उसको क्या बोलते हैं स्लीपर और तीसरे नंबर का बैठे हुए को भी उठा दे उसका नाम क्या है जनरल पैरों पर चढ़ जाना इंसानों पर चढ़ जाना धक्का मुक्की भीड़ भाड़ ये जब तीन प्रकार की कैटेगरी जैसे ट्रेन में मिलती है ऐसा ही समझ लेना कि जनरल का तात्पर्य होता कि सब भर देना किसी ने टिकट करवाई चाहे ना करवाई पर तुरंत टिकट ले लेना जनरल की तो तुरंत मिलती पर रिजर्वेशन तो एक दो महीने पहले करवाना पड़ता है तो रिजर्वेशन क्या है जैसे हम भक्ति कर रहे हैं यानी कि अपना सीट रिजर्व कर रहे अपनी सीट की बुकिंग करवा रहे तो यह है कि परमात्मा की जब हम भक्ति करते हैं आत्मा के भाव से करेंगे तो पहले हमारे जीव को पहला सुखमय लोक मिलेगा जिसको बोलते अव्वल भिस्त ठीक है जिसको ब्रह्म सि बोलते हैं लास्ट भिस्त और सेकंड भिस्त की सेकंड जो ईश्वरी सृष्टि यानी स्लीपर जैसा समझ लीजिए और लास्ट जो है जनरल भिस्त करो चाहे ना करो पर इमरजेंसी में जब लेना पड़ गया और जाना पड़ गया तो जनरल में चढ़ा देना तो इसको बोलते हैं आठवीं भिस्त भी तो ज्यादा समय नहीं है मेरा समय पूरा हो जाता है इसलिए संक्षिप्त रूप में मैंने वर्णन किया कि थोड़ा सा आप समझ सको कि ये सुखमय लोक है यानी बैकुंठ स्वर्ग को ये जो हद के अंदर के जो लोक हैं इन सुखमय लोकों को छोड़ करके ये भाव सागर के सुखमय लोक है जिसमें आया जाया जाता है लेकिन ये सुखमय आठ बीस ऐसे सुखमय लोक है जिसके अंदर जाने के बाद कभी लौटना नहीं पड़ता जैसे उस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद गतवा न निवृतन ते तद धाम परममम कि जहाँ जाने के बाद वापिस इस दुनिया में आना ना पड़ जाए ऐसे ये सुखमय लोग हैं तो ऐसे सुखमय लोगों में जाने की जरूरत है जन्म मरण में तो इस दुनिया में युगों से मानव जी रहा है पर कब तक इस द्वंद्व में जीते रहेंगे इसलिए आखिरी समय और आखिरी समय के अंदर ये अवसर मिला इस अवसर को प्राप्त करके इस इलम लद्युन को प्राप्त प्राप्त करके हम इस अखंड सुख में लोगों का आनंद प्राप्त करें उस आनंद के सागर को हम प्राप्त करें इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय प्रणाम जी मोमिन आए अर्षिम से मोमिन आए हर सजिम से हमारी हक्शो निस्बत श्री महामत कहे मोमिनो हके महर करी तुम पर भुलाए तुम्हें हाँसी को वास्ते इश्क़ खातिर वास्ते इश्क़ खातिर मोमिन आए अरस अजीम से बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे कीज आप हक श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस प्रसंग से मात हेलो हो गया मोमिन आए अर्स अजीम से खुलासा ग्रंथ का भीष्ट का प्रकरण है इस दुनिया के अंदर आने के बाद इस रबत और इस रब के बाद हम सुंदर सात इस नासवान जगत में पधारे और नासवान जगत में आने के बाद कोई स्त्री में कोई पुरुष में और अनेक प्रकार के विभाजनों में हम बट गए जिस वजह से एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा को ना जानने की वजह से और ना उसके ज्ञान को सुनने की वजह से हम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को भूल गए इसीलिए ये वाणी अवतरित हुई और ये वाणी हमारी अंदर विराजमान जो आत्म है और उसके साथ जो जीव है इस दुनिया के अंदर का जो आदि नारायण का अंश माना जाता है इस जीव के अनेक युगों में भटकने की वजह से यह वाणी अंतिम समय में इस जीव को अपने मूल मुकाम तक ले जाने के लिए कि ये जीव जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है इस जीव को इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छुटकारा मिल सकता है और कैसे यह जीव इस जन्म मरण के चक्कर से छूट करके अपने अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है तो यह संगति एक आत्म की मिलेगी जिस दिन उसको उस दिन आत्मा की संगति की वजह से यह जीव उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को जानेगा और परमात्मा को जिस दिन इसने जान लिया उस दिन अंदर बैठा यह जीव कई युगों से कई तनों को धारण करता आ रहा है ये अंतिम अवसर है कि इस युग के बाद या इस जन्म के बाद इसको दूसरा तन धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भले शास्त्र के अंदर पुनर्जन्म का विधान है पर पुनर्जन्म के विधान को ये ब्रह्मवाणी तोड़ देती है और ब्रह्म ज्ञान और अक्षरातीत का ज्ञान इस सिद्धांत को काट देता है क्यों क्योंकि वाणी और उपनिषद के अंदर इसका वर्णन लिखा है वाणी में लिखा है आए काटे दुनी के कर्म जाल कि वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो कई जन्मों के कर्म जाल है उस कर्म जाल को काटने वाला है और उसी बात को उपनिषद भी इस बात को दर्शाता है कि भिध्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संसया छीयंत चास्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे कि हे मानव जिस दिन तुम्हारे हृदय स्थल के अंदर परमात्मा का वास होगा और वास होने के बाद उस परमात्मा के बैठने के बाद तुम्हारे अंदर के संशय संशय यानी अनेक प्रकार की संप्रदाय और अनेक प्रकार की जो विचारधारा चलती उस विचारधारा में जो मानव चिंतन करता रहता ये सही है वो सही है कौन सी संप्रदाय सही है कौन सा भगवान सही है कौन सा देव सही है कौन सा धर्म सही है ये सारे जो कंफ्यूजन और ये समस्याएं जो होती है आध्यात्मिक जीवन में इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन केवल उस परमात्मा के ध्यान करने के बाद उसके अंतर आत्मा में विराजमान होने के बाद इन सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा पर एक बार मानव उस परमात्मा को जाने पहचाने और जानने के बाद उसका चिंतन मनन और ध्यान साधना में डूबे तभी ये संभव है कई बार व्यक्ति संप्रदाय के अंदर आता है ना जानता है ना साधना की है केवल तर्क के आधार पर जीवन जीता रहता है ये सही है वो सही है जबकि आध्यात्मिक मार्ग से कोसों दूर होता है और आध्यात्मिक मार्ग से कोसों दूर होने के कारण से आध्यात्मिकता उसको प्राप्त नहीं होती है पर तर्क जरूर प्राप्त हो जाती है और इस तर्क की वजह से व्यक्ति जान ही नहीं पाता है कि मैं आखिर कर रहा हूं ये सही है या गलत है तो उन सभी चीजों को समझाने के लिए ये ब्रह्मवाणी आई है और इसीलिए उसी के अनुसार जो उपनिषद और ब्रह्मवाणी का सिद्धांत और कथन है कि दुनिया के कर्म जाल को काटना यानी जिस दिन परमात्मा मानव हृदय में वास करने लग जाएगा उस दिन हमारे जो कुकर्म है या हमारे जो किए कर्म है एक कर्म का जो एक तार बंधा हुआ है ये कर्म रूपी तार को काट देगा और इस वजह से ये ज्ञान हमारे इन कर्मों को काट करके आध्यात्मिक और मोक्ष की ओर ले जाने वाला यह ज्ञान है और उसी बात को उपनिषद दर्शा रहे कि विद्यंत हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशया कि उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं जो धर्म में और आध्यात्मिक में डूबने के बाद परमात्मा को जान जाता है और अपने हृदय में वास करवा लेता है और ऐसे व्यक्ति के कर्म नाश हो जाते हैं जो व्यक्ति साधना के बल से परमात्मा को अपने हृदय में बिठा लेता है और जो अपने हृदय में बिठा लेता है ऐसे व्यक्ति के जिनके कर्म नाश हुए छियंत चाष्य कर्माणी तस्वीन दृष्टि परावर है कि ऐसे व्यक्ति की ही दृष्टि इस संसार से परे इस मोहात्मक जगत से परे इस तमस रूपी रूपी अंधकार और अज्ञान संसार से परे उस परब्रह्म तक उसकी दृष्टि पहुंच सकती यानी उसकी दिव्य दृष्टि यानी आत्मिक चक्षु उसके ही खुल पाते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग की गहराइयों में डूबता है ना कि तरक्की तरक्की आधार तरक पर जीने वाला ना केवल ज्ञान के आधार पर जीने वाला ना केवल, के केवल तिलक और चंदन लगाने से आध्यात्मिक जीवन यदि प्राप्त होता है तो ध्यान साधना के माध्यम से प्राप्त होता है और इसी बात को ये वाणी दर्शा रही है कि इस दुनिया के अंदर आया ये जीव कैसे मोमिनों की संगति कर सकता है और कैसे इनकी संगति करने के बाद उसका फल क्या मिलेगा मैंने अगली चर्चा में भी बोला था कि एक संगत ही ऐसी चीज है जो किसी को बदल सकती है जैसे तौर की भाषा में बोला जाता है जैसी संगत वेशी रंगत की जैसी संगति होगी हो वैसी रंगत यानी उस वैसे उसकी आदत पड़ेगी और उसी को पुराणों के अंदर एक सूत्र में कहा है कि यस्य पूजा प्रभावे न जीव सृष्टि अपनी समुद्र की एक परमात्मा और एक आत्माओं की पूजा करने से परमात्मा और आत्माओं की पूजा करने से इस दुनिया के जीवों का उद्धार हो जाएगा जो अनेक युगों से भटक रहे इन जीवों के युद्धार के लिए अंतिम अवसर यह है और इस अवसर को यदि व्यक्ति गमा देता है इस अवसर को यदि व्यक्ति खो देता है तो शायद ये जो अवसर मिला है ये बारंबार नहीं मिलेगा इसलिए ये पर का ज्ञान आया और इस ज्ञान के माध्यम से जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की आत्माएं इस सृष्टि के अंदर कभी नहीं आई थी इसलिए इस वाणी के अंदर कहा है मोमिन आए अरस अजीम से कि जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की ब्रह्म संसार के अंदर नहीं आई थी इन दुनिया के अंदर रहने वाले उन जीवों ने उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के लिए कठोर साधना और कठोर तप किए थे जिसके कारण से वाणी के अंदर लिखा है कि वो जीव और वो महान तपस्वी ऋषि मुनि राह देख रहे थे कि वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कब आएंगे और उनका ध्यान साधना में इतने लगे रहे जिस के कारण से निरंतर पुकार करने की वजह से परमात्मा को एक बहाना चाहिए था जिस बहाने की वजह से पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ने अपनी अंगनाओं को इस संसार के अंदर पहले भेजा जिसके कारण से उनको लेने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर वो पधारे और आकर के केवल ब्रह्म अंगनाओं को लेने नहीं आए इन दुनिया के अंदर के उन जीवों को भी अखंड मुक्ति देकर के उनको भी योग माया के ब्रह्मांड में ले जाने के लिए आए इसलिए आध्यात्मिक जीवन केवल मंदिर तक जाने के लिए नहीं आध्यात्मिक जीवन केवल जुड़ जाने से नहीं आध्यात्मिक जीवन आत्मा का मार्ग है और आत्मा के मार्ग के लिए व्यक्ति को उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सतत ध्यान ज्ञान और साधना इन तीनों चरणों पर चलना होगा और तीनों चरणों पर जब व्यक्ति निरंतर चलता रहेगा तभी उसको आध्यात्मिक उपलब्धि होगी और उस उपलब्धि के लिए इनको सही ज्ञान जरूरत है और ये मार्गदर्शन ये वाणी बताती है कि जो अरस अजिम से जो ब्रह्म अंगनाएं यानी परमात्मा की जो आत्मा इस दुनिया में आई इन आत्माओं के माध्यम से इस दुनिया में यह ज्ञान भी साथ में आया जिनको महेश्वर तंत्र के अंदर पहले से कहा था कि इस दुनिया के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जब आएंगे तो केवल वो अकेले नहीं आएंगे साथ में अपनी ब्रह्म विद्या को भी लेकर के आएंगे अपने ब्रह्म ज्ञान को भी लेकर के आएंगे और यही ज्ञान होगा जो सारी सृष्टि को कल्याण की ओर ले जाएगा यही ज्ञान होगा जो व्यक्ति को परम धाम की ओर ले जाएगा यही ज्ञान मानव के उत्थान के लिए आएगा और वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आएंगे तो क्या करेंगे इस दुनिया को क्या फल मिलेगा तो उस फल के लिए उन्होंने कहा मुक्तिदा सर्वलोका नाम भविता भरता जिरे कि वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदान आएंगे तो इस दुनिया के अंदर जो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं मुक्तिदा मुक्तिदा यानी मुक्ति को देने वाले होंगे और सारी सृष्टि का कल्याण करने वाले होंगे वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद होंगे दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए हो सकता कोई देव और भगवान आ जाते हैं या देवियां आती है कोई महापुरुष आता है कोई ऋषि आता है कोई देव आता है पर परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए नहीं जीवों के कल्याण के लिए जो जन्म मरण के अंदर पड़े हैं इनके कष्टों को निवारण करके उनको अखंड मोक्ष को देने के लिए आएंगे यदि धर्म का उत्थान ही करना था तो सत्युग के अंदर से लेकर के सत्युग त्रेता और द्वापर युग में होता ही रहा है इसलिए तीनों युगों के अंदर धर्म की जब जब हानि हुई तो भगवान या देव का प्रकटन हुआ पर के अंदर जीव का कल्याण होगा धर्म की स्थापना के साथ साथ जो जीव कई युगों से भटक रहे उन जीवों का इस वाणी के माध्यम से इन ज्ञान के माध्यम से उनको अवसर प्राप्त हुआ है कि इस भवसागर से पार होकर के इस संसार को छोड़ करके वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर सके और योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो भिष्तों का वर्णन लिखा है भीष्त क्या चीज होती है भीष्त होती है अखंड सुखमय लोग जैसे स्वर्ग है पर स्वर्ग और बैकुंड है स्वर्ग और बैकुंड जैसे सुखमय ही लोग हैं पर कहां पर है सागर के अंदर माने जाते हैं दोनों सुखमई लोग होने के बाद भी मोह सागर में माने जाते हैं पर यह भीष्ट जो हुए वो मोह सागर से परे वो परमात्मा का एरिया शुरू हो जाता है परमात्मा का धाम जहां शुरू हो जाता है और उनके सत्ता स्वरूप अक्षर ब्रह्म का जहां पर वास होता है जहां पर अक्षर ब्रह्म की लीला होती है ये है भीष्त का एरिया इसलिए अखंड ब्रह्मांड जिसको माना जाता है वो योग का ब्रह्मांड है जिसको दुनिया में बेहद ब्रह्मांड बोला है किसी ने बोला अलख का ब्रह्मांड है जिसके बारे में कोई लिख नहीं सकता कोई उसको अगम ब्रह्मांड करके वर्णन किया कोई बेहद ही ब्रह्मांड वर्णन किया जो हद में नहीं आता इसको बेहद ही बोलते जो गम यानी अपने चिंतन मनन में नहीं आता अगम है जो और जो शब्दों के माध्यम से लिखा नहीं जाता वो अगम है इसीलिए शास्त्र में और पुराण संगीता के अंदर लिखा अमात्रम शब्द रहितम बिंदुनाद कलातीतम कि परमात्मा और उसके धाम के बारे में दुनिया में कोई शब्दों के माध्यम से या फिर कोई मात्राओं के माध्यम से उसको वर्णित नहीं कर सकता क्योंकि ये इनसे परे है इसलिए उस परब्रह्म और उस सत्ता स्वरूप अक्सर ब्रह्म के धाम को इस दुनिया के अंदर लिखना और बताना शास्त्र में केवल संकेत स्वरूप में बताया है संकेत जैसे किसी ने कह दिया कि परमात्मा एक है तो संकेत दे दिया कि एक है पर उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया कि जैसे उसकी लीला धाम स्वरूप इन सभी चीजों का वर्णन नहीं हुआ वो केवल ब्रह्म ज्ञान के अंदर हुआ तो ये ब्रह्म ज्ञान ही उन सारी चीजों का खुलासा कर देता है तो वो ब्रह्म मुनि जो अर्स अजे मे जो परम धाम से इस दुनिया के अंदर आए हैं इन ब्रह्म मुनियों के माध्यम से इस दुनिया को क्या फायदा होने वाला है हमारी अब वर्णन करें कि दुनिया में अनेक परंपराएं और अनेक संप्रदाय होंगे अनेक संप्रदाय में अनेक मत को मानने वाले लोग होंगे पर जो ब्रह्म के मानने वाले होंगे जो परमात्मा के मानने वाले होंगे वो विरले होंगे और विरले इसीलिए होंगे क्योंकि वो केवल ना केवल ब्रह्म से निस्पत यानी वो केवल हक से निस्पत रखेंगे यानी परब्रह्म परमात्मा के अलावा हर किसी को सम्मान देंगे हर किसी को आदर देंगे पर आत्मा का मालिक केवल परमात्मा को माने ऐसे व्यक्तियों को समझ लेना कि वो परब्रह्म की अंगनाएं परब्रह्म की आत्माए वह परब्रह्म के अंग स्वरूप माने जाएंगे और उनके अलावा बाकी लोग उस परब्रह्म को जो नहीं मानेंगे तो समझ लेना कि वो परब्रह्म की आत्माएं है नहीं हैं इसलिए उस परब्रह्म की आत्माओं की पहचान ये वाणी बता रही है कि जो परब्रम की आत्माएं होंगी जो परमात्मा का अंग होगा वो एक पर आस्था रखेंगे और एक पर आस्था रख करके एक की भक्ति करेंगे और वो एक की भक्ति करके इस दुनिया के अंदर सिद्ध कर देंगे कि इस दुनिया के अंदर ब्रह्म परमात्मा और आत्मा इन दोनों का संबंध इस युग से नहीं अनंत काल से यानी अनादि काल से है था और रहेगा तो ये अनादि काल का जो संबंध है आत्मा और परमात्मा का आत्मा से परमात्मा का जो संबंध है ये इस वाणी के माध्यम से बताना चाहते हैं हक सो का तात्पर्य होता है कि परमात्मा से जिसका संबंध है अब दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि अनेक संप्रदाय के अंदर अनेक विचारधारा हैं और अनेक विचारधारा को मानने वाले अनुयायी अनेक तरफ चलते हैं और अनेक तरफ चलने की वजह से कौन सा आत्मा का मालिक है और कौन सा आत्मा का मालिक नहीं है इसको जाने बिना व्यक्ति सदा निरंतर चलता रहता आगे पर जिस दिन व्यक्ति आत्मा के मालिक को जानेगा उस दिन इस भाव सागर से वो पार हो पाएगा जब तक आत्मा के मालिक को नहीं जान पाया तब तक वो भाव सागर के अंदर रहेगा क्यों भाव सागर के अंदर रहेगा क्योंकि इस भाव सागर के अंदर देवत्व लोक भी भाव सागर में ही माने जाते हैं चौदह लोग जिसको वर्णन किया गया है ये चौदह लोग इस भाव सागर के अंदर ही पाए जाते हैं भाव सागर से परे तो वो ओम स्वरूप अक्षर ब्रह्म है इस अक्षर ब्रह्म से वो परे वो सच्चिदानंद स्वरूप है इन दो पुरुषों को जब तक हम नहीं जानेंगे और केवल आदि नारायण और आदि नारायण के साथ यानी आदि नारायण के ब्रह्मांड के अंदर लीला करने वाले उन देवत्व शक्ति को हम जानेंगे तो देवत्व शक्ति और आदि नारायण को जानने का तात्पर्य यही हुआ कि आपने भवसागर सागर को जाना है पर भवसागर सागर के परे के एरिए को नहीं जाना जब तक हम भवसागर सागर के एरिए से परे के एरिए को नहीं जानेंगे तब तक ये आत्मा अंदर विराजमान जो है इस आत्मा को कभी भी परमात्मा का घर कभी भी अक्सर ब्रह्म का घर और कभी भी ये बेहद मंडल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे इसलिए आखिरी समय आया है और आखिरी समय में जो व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात करेगा इसी व्यक्ति को आत्मसात करने के कारण से फल स्वरूप से ओ अक्षर ब्रह्म का एरिया यानी अक्षर ब्रह्म का बेहद मंडल जहां पर आठ सुखमयी लोक है आठ सुखमय लोकों को वाणी के अंदर भिस्त का दर्जा दिया है यानी भिस्त के नाम से वर्णन किया यानी वो सुखमयी लोक है स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति लौट आता है वैकुंड में जाने के बाद व्यक्ति लौट आता है पर ये सुखमय लोक ऐसे हैं कि इस सुखमय लोक में जाने के बाद कभी व्यक्ति को लौटने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसा ये अखंड सुखमय लोक है और उस अखंड सुखमय लोक का यहां पर वर्णन करें कि ये अखंड सुखमय लोक को कैसे जाना जाएगा और किसकी संगति से ये मिलेंगे तो ब्रह्म की संगति हो और वो ब्रह्म मुनि जो परमात्मा के साथ जुड़े ऐसा नहीं कि नाम के केवल ब्रह्म मुनि दुनिया के अंदर अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म मुनि के कहलाने केवल ज्ञान नहीं हो जाता है जब तक ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन ना कर दे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन ना कर दे तब तक वो ब्रह्म ज्ञान नहीं और जब तक हद से परे अक्षर ब्रह्म और उस अक्षरातीत को बता ना दे तब तक उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं ऐसा समझ सकते हो आप इसीलिए उस पर ब्रह्म परमात्मा के घर तक ले जाने के लिए वाणी और उस आठ लोगों का यहां पर वर्णन किया गया है मैंने पहले कहा था केवल सृष्टि नहीं ब्रह्मना इस दुनिया में नहीं आएंगी क्या आएंगे उनके साथ ब्रह्मुनि और ब्रह्म मुनि के साथ वो इलम लदुनी इलम लदुनी का तात्पर्य का ज्ञान इलम का तात्पर्य होता है ज्ञान और वो ज्ञान इस दुनिया के अंदर हम सभी को उस भवसागर सागर से पार ले जाएगा ब्रह्म ज्ञान क्यों जरूरी है तो मैंने आपसे पहले कहा था कि ब्रह्म ज्ञान इसलिए जरूरी है इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आपको दो लोगों का ज्ञान होगा योग माया का यानी इस हद से परे अक्सर ब्रह्मांड का और अक्सर ब्रह्मांड से परे उस परम धाम का यह इलम लदुनी दोनों लोकों का वर्णन करता है और दोनों सुखमय लोकों का जब तक व्यक्ति जानेगा नहीं तब तक वहां तक पहुंचेगा कैसे इसलिए यह इलम लदुनी पर ने दिया है हक बक्का न्यामत और उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान के अंदर क्या होगा तो बोले हक की नियामत हक की नियामत का तात्पर्य कि उसके का जो वो ज्ञान वो प्रेम वो आनंद वो शांति वो सारी चीज आपको प्राप्त होगी वो सौंदर्य सब कुछ आपको वो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होगा जब तक व्यक्ति पर ब्रह्म के आनंद को प्राप्त नहीं हो जाता भक्ति का तात्पर्य क्या होता है आनंद को प्राप्त होना कैसे आनंद को प्राप्त होना है अब दुनिया की किसी भी संप्रदाय में चले जाइए सभी संप्रदाय का एक कॉमन सिद्धांत रहता है सामान्य सिद्धांत है कि अब कहीं भी जाओ चाहे दुनिया के हजार संप्रदाय हजार में से एक को किसी को भी जान लो उन सभी में आपको एक चीज मिलेगी किस लिए भक्ति करते हो केवल सुख शांति और आनंद के लिए आप निकाल दीजिए सुख शांति और आनंद शब्द को कोई किसी देवी के मंदिर पर नहीं जाएगा कोई भगवान के मंदिर पर नहीं जाएगा कोई किसी संप्रदाय में नहीं जाएगा कहने लग जाओ कि जिस भी संप्रदाय में जाओ उस संप्रदाय में दुख ही दुख मिलेगा तो धर्म के नाम से और मंदिरों के नाम से भगवान के नाम से लोग कोसो दूर खड़े हो जाएंगे दुनिया की तमाम संप्रदाय केवल एक सिद्धांत पर अटकी हुई है सुख शांति और आनंद ये तीन शब्द और ये तीन चीज आप निकाल दीजिए इन तीनों के निकालने की वजह से संप्रदाय नाम और धर्म नाम की वस्तु में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और ये तीनों चीज कहीं से प्राप्त होती वो परमात्मा है इसीलिए परमात्मा को कहा जाता है सत्य चित और आनंद स्वरूप किसी देव के साथ आनंद शब्द नहीं जोड़ा पर परमात्मा के साथ क्या जोड़ा सत्यचित्त और आनंद स्वरूप क्यों क्योंकि वो आनंद का सागर है और वो आनंद का सागर आपको आनंद दे सकता है अब हम जहां खोज रहे कोई व्यक्ति पैसों में खोजता है कोई मंदिरों में खोजता है कोई गुटका मसाला पान बीड़ी सिगरेट में खोजता है कोई किसी और में खोजता है पर वहां जब है ही नहीं तो मिलेगा कहां से यदि सूर्य का प्रकाश चाहिए तो सूर्य से ही प्राप्त होगा हम चंद्रमा से अपेक्षा करते रहे कि वहां से प्राप्त हो जाए तो असंभव चीज है ठीक है हाइलोजन से प्रकाश मिलता है पर वो प्रकाश नहीं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो आनंद का स्वरूप और सौंदर्य का स्वरूप वो परब्रम परमात्मा है वो परब्रम परमात्मा ही इस दुनिया से परे लोगों को प्राप्त करवा सकता है और उसी परब्रम परमात्मा के बारे में जो वर्णन किया है भिस्तों का वर्णन वैसे तो लंबा है लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा बता देता हूं कि आखिर वो है कैसे तो जो पहली विष्ट का वर्णन है कि जो व्यक्ति परब्रह्म को अपने आत्मा के भाव से भजेंगे उसको अपना आत्मा का मालिक मान करके भजेगा ये पहले सुखमय लोक को प्राप्त होंगे यानी पहली विष्ट का अधिकारी होगा जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्म यानी ओम को भजने वाला है या फिर ऐसे कहो कि जिनको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं ये दूसरी भिस्त को प्राप्त होंगे तीसरी भिस्त यानी तीसरी भिस्त मोहम्मद साहब को मानने वाले जिन्होंने इस दुनिया के अंदर एक परमात्मा का पैगाम दिया कुरान के अंदर खुदा का तात्पर्य होता है परमात्मा पर भाषा अलग होने की वजह से खुदा यानी कोई नया भगवान बन जाता लोगों के लिए पर खुदा नया भगवान नहीं उसी परमात्मा को उस शब्द में कहा गया जैसे शंकर भगवान को अपनी भाषा में हम शंकर भगवान कहेंगे लेकिन जब कुरान की भाषा में जानेंगे तो क्या कहेंगे उसको मैकाइल मैकाइल के नाम से जाना जाएगा तो जो शब्द इधर का है जो उनका शब्द है भाषा अलग है अब कोई गोरे होते कोई काले होते इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंसान नहीं होते नाम अलग है ऐसा नहीं है नाम भाषा अलग है पर नाम दोनों के एक ही एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया गया है तो वो पेगाम लेकर के आए मोहम्मद साहब यानी कि जो तीसरी भिस्त के अंदर जो व्यक्ति आस्था रखेगा वो किसको मान करके चलेगा तो वो अवश्य खुदा को मानेगा पर मानेगा किसकी मोहम्मद पैगंबर की राह पर चल करके उस पर ब्रह्म को जानेगा वो तीसरी भिस्त को प्राप्त होगा और चौथी और पांचवी भिस्त यानी कि रास और ब्रज और छठे नंबर की और सातवें नंबर की और आठवें नंबर की एक देवी देवता की है और एक पैगंबरी और एक जनरली है जनरली का तात्पर्य है कि जो कुछ नहीं करेगा पर एंड में जब सृष्टि नहीं रहेगा तब एंड में सृष्टि ना रहने की वजह से इनको अंतिम समय में सुखमय लोक मिलेगा अवश्य पर कहा जाता है कि पश्चाताप की अग्नि में जब व्यक्ति जलेगा जैसे दूसरी भाषा से मैं समझाता हूं कि गरुड़ पुराण के अंदर चौरासी कुंड वर्णन किया है नरकीय कुंड का तात्पर्य क्या होता है कि, कि किसी भी तरह किसी भी तरह से व्यक्ति की व्यक्ति को पवित्र करने का तरीका चाहे वो मानसिक रूप से पवित्र किया जाता हो या फिर वहां अनेक प्रकार के उदाहरण दिए हैं कि किसी का जैसे किसी ने मुर्गा काटा है तो उसको काटा हुआ वर्णन किया है किसी को फाड़ करके वर्णन किया है जैसे किसी ने अग्नि का वर्णन किया कि जैसे व्यक्ति जल रहा है पर हकीकतों तो जलेगा पर मरेगा नहीं तो ये नरकीय वर्णन किया है गरुड़ पुराण के अंदर चौरासी कुंडों का कि ये नरक एरिया है चौरासी इसी तरह पश्चाताप की अग्नि में जलने का तात्पर्य कि जितने हमने पाप किए और हम जिस कारण से परमात्मा को नहीं जान पाए या नहीं मान पाए तो एंड समय में जब वक्त होता है जैसे व्यक्ति भक्ति नहीं करता पर एंड समय में कोई व्यक्ति नरक तो नहीं जाना चाहता फिलहाल शराब पीने वाला मांस खाने वाला आखिर कसाई भी ये कहता है कि, कि किसी भी तरह मुझे स्वर्ग तो भिजवा ही दो खुद नहीं करता पंडित से सिफारिश करके करवा देता पर करवाता तो अवश्य नरक कोई जाना चाहता नहीं है तो पश्चाताप की अग्नि में जलने का तात्पर्य है कि अपने जीव के अंदर जो अंतस्करण है उसकी पवित्रता हो जाए जीव पवित्र हो उन अंतस्करण के कारण से और ये जीव पवित्र हो करके आठवीं भिस्त का अधिकारी बने तो इसीलिए ये आठवीं भिस्त का जिक्र है तो हमारा जो दर्जा है हम कैसे उस दरजे को समझे ऐसा समझ लीजिए कि एक ट्रेन है जो ट्रेन के अंदर तीन प्रकार की क्वालिटी है वैसे चार प्रकार की आती पर एक चौथे नंबर की अब निकाल दी है तो चौथे नंबर की तो भी हम समझने की कोशिश करेंगे एसी स्लीपर कोस और एक जनरल कोस अब एसी में भी तीन विभाजन अलग अलग होते हैं पर हम केवल इतना ही समझ ले कि एसी स्लीपर और જનરલ એ જો કા તીન સમજાતા હું જ્યારે ત્રણ વિભાજન મળતું એક થોડાક ડિબ્બા એવા હોય જેમાં કમ ભીડ હોય અને થોડાક ડબ્બા એવા પણ હોય જેમાં બિલકુલ કાચ ફીટોમ ફિટ હોય જેમાં દેખવું પણ મુશ્કેલ હોય એટલે એવા ડિબ્બા એસી ના और जिसमें कम भीड़ दिख रहे तो समझ लेना जिसमें व्यक्ति अपने आप सो सकता है दूसरे को बैठने कम देता है उसको क्या बोलते हैं स्लीपर और तीसरे नंबर का बैठे हुए को भी उठा दे उसका नाम क्या है जनरल पैरों पर चढ़ जाना इंसानों पर चढ़ जाना धक्का मुक्की भीड़ भाड़ ये जब तीन प्रकार की कैटेगरी जैसे ट्रेन में मिलती है ऐसा ही समझ लेना कि जनरल का तात्पर्य होता कि सब भर देना किसी ने टिकट करवाई चाहे ना करवाई पर तुरंत टिकट ले लेना जनरल की तो तुरंत मिलती पर रिजर्वेशन तो एक दो महीने पहले करवाना पड़ता है तो रिजर्वेशन क्या है जैसे हम भक्ति कर रहे हैं यानी कि अपना सीट रिजर्व कर रहे अपनी सीट की बुकिंग करवा रहे हैं तो यह है कि परमात्मा की जब हम भक्ति करते हैं आत्मा के भाव से करेंगे तो पहले हमारे जीव को पहला सुखमय लोक मिलेगा जिसको बोलते अव्वल भिस्त ठीक है जिसको सृष्टि की भिस्त बोलते हैं लास्ट और सेकंड सेकंड की, जो ईश्वरी यानी स्लिपर जैसा समझ लीजिए और लास्ट जो है जनरल भिस्त करो चाहे ना करो पर इमरजेंसी में जब लेना पड़ गया और जाना पड़ गया तो जनरल में चढ़ा देना तो इसको बोलते हैं आठवीं भिस्त भी तो ज्यादा समय नहीं है मेरा समय पूरा हो जाता है इसलिए संक्षिप्त रूप में मैंने वर्णन किया कि थोड़ा सा आप समझ सको कि ये सुखमय लोक है यानी बैकुंठ स्वर्ग को ये जो हद के अंदर के जो लोक हैं इन सुखमय लोकों को छोड़ करके ये भाव सागर के सुखमय लोक है जिसमें आया जाया जाता है लेकिन ये सुखमय आठ बीस ऐसे सुखमय लोक है जिसके अंदर जाने के बाद कभी लौटना नहीं पड़ता जैसे उस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद गतवा न निवृतन ते तद धाम परम कि जहाँ जाने के बाद वापिस इस दुनिया में आना ना पड़ जाए ऐसे ये सुखमय लोक है तो ऐसे सुखमय लोकों में जाने की जरूरत है जन्म मरण में तो इस दुनिया में युगों से मानव जी रहा है पर कब तक इस द्वंद्व में जीते रहेंगे इसलिए आखिरी समय और आखिरी समय के अंदर ये अवसर मिला इस अवसर को प्राप्त करके इस इलम लद्य को प्राप्त प्राप्त करके हम इस अखंड सुख में लोगों का आनंद प्राप्त करें उस आनंद के सागर को हम प्राप्त करें इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय प्रणाम से।